लेकिन कंपनी खुद को बचाने के लिए वाटर रेजिस्टेंट कह देता है, ठीक है ना। हल्का फुल्का छीटा अगर पड़ जाए तो ये हैंडल कर लेगा, और गहराई में एक दो बार पड़ जाए तो भी हैंडल कर लेगा, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। वो स्पीकर में अगर पानी वाने घुस जाए तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो छोड़े पड़े हैं, कोई साउंड लगाओगे बैन बैन से एक नॉइज आएगा, उसके बाद सारा पानी निकल के आ जाएगा। आजकल ये सारे स्मार्टफोन भी दे रहा है। उसके बाद आता है गूगल पिक्सल 6 से। गूगल क्या है हम लोग सब जानते हैं, आईफोन जैसे आईओएस में चलता है, गूगल का पर्सनल फोन है जो आपको आईफोन का फीलिंग्स देगा लेकिन वो एंड्रॉइड फोन होगा, यानी स्ट्राइक एंड्रॉइड में आता है जो। उसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। जी हाँ दोस्तों, ये भी खतरनाक एक फोन है, और वाटर रेजिस्टेंट की बात करो तो इतना खास नहीं है, S22 Ultra और S23 Ultra के जैसा नहीं होगा, लेकिन ना उससे भी कम नहीं, यानी आईफोन की वाटर रेजिस्टेंट को भी टक्कर देगा। उसके बाद आता है बजट सेगमेंट में Xiaomi 13। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा फोन है, ये भी हल्का फुल्का पानी अगर पड़ जाए तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इस फोन का। उसके बाद आता है गूगल पिक्सल 7 प्रो। जी हाँ दोस्तों, ये भी अगर पानी के नीचे अगर थोड़ा बहुत वीडियो शूट करोगे या पानी में चुबो कर रखो या धो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। उसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी A53 5G। जी हाँ दोस्तों, ये भी पानी के 1-2 मीटर नीचे आप थोड़ा बहुत वीडियो हल्का फुल्का सा शूट कर दो तो ये सह लेगा। उसके बाद आता है Xiaomi Redmi Note 12। या दोस्तों, इसमें अगर हल्का फुल्का पानी के छींटे पड़ जाए या बारिश में भीग जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी के गहीर में अगर डालोगे तो ऐसे तो एंड्रॉइड बहुत कुछ मल्टीफंक्शन संभाल रहे तो संभाल नहीं सकेगा या इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है Motorola का Moto G53। ये भी बारिश में भीग जाता है, अगर आप जिम बिम में जाते हैं हल्का फुल्का पसीने की छींटे या पानी की छींटे पड़ जाता है तो फिर भी आप हल्का फुल्का शूट के दौरान इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है Poco X4 Pro, जो कि Xiaomi और Redmi से ही एक फोन निकल कर आता है Poco X4 Pro। जी हां दोस्तों, इसको भी आप स्टेबलाइजेशन में पानी के नीचे हल्का फुल्का से शूट कर सकते हो। उसके बाद आता है Poco X5। जी हां दोस्तों, इसके पानी के नीचे मत लाना, ठीक है। बारिश बारिश का छींटे वीटे 2-4 बार पड़ जाता है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर छींटे पड़ेगा तो पार्ट्स भी इसका छींटे जैसे खुल जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G। या दोस्तों, इसको भी आप हल्का फुल्का पानी के नीचे 1-2 मीटर तक शूट कर सकते हो, इसमें कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला।
उसके बाद फाइनली 15 नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी S22। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा और S23 के दो धाप पहले ये फोन लॉन्च किया गया था और कंपनी क्लेम करता है इसको भी आप पानी के नीचे थोड़े टाइम के लिए रील्स भी शूट कर सकते हो, इसमें कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो गाइस, इस वीडियो से आप लोग क्या सीखे, सबसे चार ब्रांड आता है जो कि आपको वाटरप्रूफ एकदम फियरली देता है। जैसे सबसे पहला आता है आईफोन, नहीं मैं आईफोन की बात नहीं करूंगा, मैं सैमसंग की बात करूंगा जो कि अब डोंट वरी होके 30 मिनट्स तक, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, जो कि आप डोंट वरी होके 30 मिनट्स तक पानी के नीचे शूट कर सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा और S23 5G वाला फोन, ठीक है। उसके बाद आता है आईफोन, जो कि आईफोन 13, 14, 14 प्रो मैक्स, आईफोन 11 कुछ भी हो जाए आराम से शूट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है गूगल पिक्सल, जो कि गूगल पिक्सल 6 है, गूगल पिक्सल 7 है, ऐसे फोन को आप आराम से पानी के नीचे शूट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे आता है वन प्लस। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस यानी जो जो वन प्लस का नया नया वेरियंट आ रहा है, तो ये जो बेस्ट ऑफ 15 ब्रांड्स मैं आप लोगों को बताया, ये नॉर्मल बजट से हाई बजट तक है, यानी लाख रुपए तक चला जाएगा। जो फोर्थ ब्रांड बताया वाटर रेजिस्टेंस विद वाटरप्रूफ, ये फोर्थ ब्रांड जो है काफी दमदार है, जेन्युइनली ये वाटर में भी आप चला सकते हो, ठीक है, इसमें भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला। तो ये फोर ब्रांड का प्राइस भी इतना कम नहीं है, प्राइस के मामले में देखो तो 50,000 से शुरू होगा, 1,00,000 से भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आयुष की इस वीडियो से आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका, अब आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोग के बजट के हिसाब से आप लोग कौन सा फोन को यूज करेंगे। तो मैंने तो भाई बता दिया, आयुष की इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानकारी मिला। अगर थोड़ा सा वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे भाई लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को जानकर बैठकर शेयर कीजिए ताकि आपके भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और आप अगर कुछ टेक्निकल रिलेटेड इशू फेस करते हो या कोई टेक्निकल रिलेटेड इशू के ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा और फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको मैसेंजर में मैसेज कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपके टेक्निकल इशू के ऊपर भी ट्यूटोरियल ला दूंगा। आप लोग अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो आधार कॉन्टेंट लेकर, तब तक अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, मतलब बाय, टेक केयर, सी यू सून।